परासिया विधायक सुहान वाल्मीकि ने छिंदवाड़ा से ट्रेन न चलने को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा कि ट्रेन न चलने की वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुहान वाल्मीकि ने बताया कि छिंदवाड़ा से जो ट्रेन कई सालों से निरंतर चल रही थी, लॉकडाउन के दौरान से सभी ट्रेनें बंद हैं, जिससे यहाँ के व्यापारियों व आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिला छिंदवाड़ा की जनता को छोटे छोटे व्यापार के लिए कई बार भोपाल, इंदौर व दिल्ली तक आवागमन करना पड़ता है, लेकिन ट्रेन न चलने के कारण यहाँ व्यापार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रोजगार में भी लोगों को फर्क पड़ने लगा है। सुहान वाल्मीकि ने ज्ञापन में छिंदवाड़ा में वापस ट्रेन चालू करने की मांग की है। आपके माध्यम से हमें श्री पीयूष गोयल जी, जो हमारे रेल मंत्री भारत सरकार के, उनको ज्ञापन सौंपा है कि जो हमारे छिंदवाड़ा से जो जितनी भी ट्रेनें चलती थी उन सभी ट्रेनों को प्रारंभ किया जाए, क्योंकि कोविड-19 का अब जो जिस तरीके से बाकी राज्यों में रेलवे द्वारा ट्रेन चलाई जा रही है, तो हम लोग की मांग है कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में जितनी भी ट्रेन चलती थी, जो भोपाल हो, दिल्ली हो, आमला हो, बैतूल हो, जहाँ जहाँ जाती थी, उन सबको प्रारंभ किया जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।